हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आज की क्लास में हम देखेंगे कि टेली प्राइम के गोल्ड लाइसेंस में हम मल्टी यूजर कैसे मेंटेन कर सकते हैं। यानी कि एक कंपनी में जब मल्टीपल लोग काम करते हैं तो उनके पासवर्ड और उनकी यूज़र आईडी अलग अलग होती है, तो उनको किस प्रकार से मेंटेन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम कंपनी क्रिएट कर लेंगे। कंपनी क्रिएट करने के बाद में अल्ट के साथ के प्रेस करेंगे अपने कीबोर्ड से गेटवे के लिए। जैसे हम एल्ट के साथ के प्रेस करेंगे तो आपको यहाँ पर नीचे की तरफ दिख रहा होगा सिक्योरिटी, तो हम सिक्योरिटी मेंटेन कर लेंगे। तो यहाँ पर यूजर एक्सेस टू कंपनी डाटा, इसको हम क्या कर लेंगे, यस कर लेंगे। यस करने के बाद में आपको यहाँ पर यूजर एडमिनिस्टर नेम या फिर यूजर नेम पूछ रहा है, तो हम यूजर नेम ले लेते हैं FY, वही पासवर्ड रख लेते हैं हम FY और एंटर कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ पर हम ईमेल आईडी लगा देते हैं हमारी FY@gmail.com, ठीक है। और यहाँ से हम ऐड यूज़र आफ्टर सेविंग सिक्योरिटी सेटिंग को यस कर देंगे। यहाँ से इसको यस करने के बाद में हमारे पास यूज़र की जो बॉक्स है वो ओपन हो जाएगा। यहाँ पर से हम यूज़र क्रिएट कर लेंगे। जितने भी अपने डाटा एंट्री के यूज़र हैं वो हम यहाँ से क्रिएट कर लेंगे। जितने भी ओनर बना रखे हैं हमने, या फिर टेलीनेट ऑडिटर बना रखा है, टेलीनेट ओनर बना रखा है, टेलीनेट यूजर बना रहे हैं, ये सभी यूजर आपको दिखाई दे रहे हैं। तो जो जिस टेलीनेट जैसे भी जितने भी टेलीनेट हैं ये तो आपका ऑनलाइन एक्सेस के लिए काम आते हैं, ठीक है। ऑफलाइन के लिए डाटा एंट्री और ओनर, ठीक है। तो आप पहले सबसे पहले आप डाटा एंट्री बना लेंगे। जैसे कि मैं डाटा एंट्री बना रहा हूँ rakesh@gmail.com, ठीक है। राकेश नाम का जो बंदा है वो यहाँ पर काम करता है, तो मैंने उसके पासवर्ड रख दिया 1, ठीक है। इसी प्रकार आपकी कंपनी में जितने भी डाटा एंट्री के हैं, जितने भी वर्कर हैं, उनकी हम आईडी है वो डाटा एंट्री में बनाएंगे। जितने भी काम करने वाले लोग हैं उनकी आईडी हम किस में बनाएंगे, डाटा एंट्री में बनाएंगे, ठीक है। फिर आता है ओनर, तो हम एक ओनर की भी आईडी बना लेंगे, ठीक है। जैसे कि ओनर और कंपनी का जो मेन सर्वर है वो अलग अलग होता है, तो हम यहाँ से ओनर का सर्वर अलग बना देंगे। जैसे कि ओनर का है FY@gmail.com, ठीक है। यहाँ से हमने ओनर का सर्वर बना दिया और ओनर का पासवर्ड रख रहे हैं 0, ठीक है। इस प्रकार से आपके पास जितने भी ओनर की ऑथोरिकेशन रखना चाहते हो आप वो बना सकते हो। आप टेलीनेट ऑडिटर भी बना सकते हो, टेलीनेट ओनर भी बना सकते हो, टेलीनेट यूजर भी बना सकते हो। टेलीनेट यूजर ऑनर, ये टेलीनेट होता क्या है, ये आपको ऑनलाइन वर्किंग की सुविधा देता है। तो अगर आप बनाना चाहते हो तो वो बना सकते हो, लेकिन उसमें क्या होगा कि आप ऑनलाइन इंटरनेट से ही उसको लॉगिन कर सकते हो, ठीक है। विदाउट इंटरनेट ये जो टेलीनेट ऑडिटर, टेलीनेट ओनर, टेलीनेट यूजर हैं ये ओपन नहीं होंगे, तो इसी कारण हम इसको स्किप रख रहे हैं। तो जितने भी आपके डाटा एंट्री के वर्कर्स हैं वो यहाँ से बना सकते हो, कितने भी बना सकते हो, कोई भी वो नहीं है, लिमिट नहीं है। तो एंड ऑफ लिस्ट कर देंगे और यस कर देंगे, ठीक है। तो हम यहाँ से कंपनी है वो क्रिएट कर ली है, और उनका अब हम क्या करेंगे, उनके यूजर भी क्रिएट कर लिए। तो अब उनका जो रोल है वो हम यहाँ पर टेली में दे देंगे। तो फिर से अल्टर के प्रेस करेंगे और यहाँ पर यूजर रोल, यानी कि अपने यूजर को रोल्स देने हैं तो वो दे देंगे। तो डाटा एंट्री को देंगे मुख्य तौर से, डाटा एंट्री अपनी मेन फैसिलिटी है, ठीक है। तो यहाँ पर दिखा रहा है कि नेम ऑफ सिक्योरिटी लेवल, तो सबसे पहले डाटा एंट्री के लिए हम सिक्योरिटी कंट्रोल कर रहे हैं। तो यहाँ से हम यूज बेसिक फैसिलिटी ऑफ, तो यूज बेसिक फैसिलिटी हम यहाँ से ले लेंगे डाटा एंट्री, क्या ले लेंगे, डाटा एंट्री, ठीक है। अब डाटा एंट्री में ये पूछ रहा है कि डे अलाउ फॉर बैक डेट वाउचर, यानी कि आप पीछे कौन कितने दिन के वाउचर्स को आप अलाउ कर रहे हो डाटा एंट्री बेस डाटा एंट्री में। यानी कि कहने का मतलब है कि डाटा एंट्री वाले बंदे हैं वो पीछे कितने दिन पीछे जाके काम कर सकते हैं, ठीक है। तो वहाँ यहाँ पर डाल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर आप सेल्फ अल्टर प्रिंट के लिए भी रूल डिसाइड कर सकते हो, ठीक है। यहाँ से अलाउ ओवरराइड टेक्स्ट डिटेल्स को भी आप यस कर सकते हो। इस प्रकार से आप फीचर्स को यस कर सकते हो। यहाँ से यूज टेलीनेट ऑथोरिकेशन को भी आप यस कर सकते हो। इसका मतलब है कि आप इसका जो ऑथोरिकेशन है वो ऑनलाइन ही कर सकते हैं, यानी ऑनलाइन वर्क के लिए भी इसको अलाउ कर सकते हो, ठीक है। फिर यहाँ पर आपके पास मोस्ट आते हैं, दो जो कॉलम आते हैं, सबसे पहले आ रहा है फर्स्ट कॉलम आपका आ रहा है डिसअलाउ द फॉलोइंग फैसिलिटी। आप क्या कर सकते हो, डिसअलाउ कर सकते हो फॉलोइंग फैसिलिटी, अदर विल बी अलाउड, यानी कि इसके अदर जो यहाँ पर है ना उसके अलावा सभी सभी चीज़ें क्या अलाउ है, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, अलाउ द फॉलोइंग फैसिलिटी, आप यहाँ से अलाउ कर सकते हो फॉलोइंग फैसिलिटी,
टू री इनलेबल डिसअलाउ फैसिलिटी, यानी कि जो डिसअलाउ फैसिलिटी वो री इनलेबल कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ पर हमने दे रखा है, तो हम एक बार स्पेस प्रेस करेंगे तो यहाँ पर दिखा रखा है अल्टर। अल्टर का मतलब है कि आप फैसिलिटी में क्रिएट यानी कि एडिट कर सकते हो। ठीक है, क्रिएट का मतलब है कि आप नया बना सकते हो, क्रिएट अल्टर का मतलब है कि नया बना भी सकते हो और उसको आप बदलाव भी कर सकते हो। डिस्प्ले का मतलब ओनली आप देख ही सकते हो, और डिस्प्ले और प्रिंट का मतलब है कि आप देख भी सकते हो और उसका जो प्रिंट आउट है वो भी निकाल सकते हो, फुल एक्सेस। ठीक है, पूर फुल कंट्रोल आप मेंटेन कर सकते हो प्रीव्यू और प्रिंट, इस प्रकार से आपके पास सेवाएं दी गई है। तो यहाँ पर हम फुल एक्सेस कर लेंगे, तो ये चीज़ें तो आपको डिसअलाउ कर रही है। इसी के साथ मैं कुछ और अलाउ डिसअलाउ कर लेता हूँ, फुल एक्सेस फॉर पेमेंट वाउचर, यानी कि पेमेंट वाउचर में पूरी तरीके से बंद करना चाहता हूँ। ठीक है, फुल एक्सेस काउंटर वाउचर, यानी कि काउंटर वाउचर भी इस फैसिलिटी के लिए मैं बंद करना चाहता हूँ। फुल एक्सेस रिसीट वाउचर, यानी कि रिसीट वाउचर भी मैंने इस फैसिलिटी के लिए बंद कर दी है। फुल एक्सेस जनरल वाउचर, यानी कि जनरल वाउचर को भी मैंने इसके लिए ऑफ कर दिया है। ठीक है, और इस प्रकार से आप अगर अदर चीज़ या बैलेंस शीट वगैरह है तो वो सब सब फैसिलिटी यहाँ पर शो हो जाएगी, आप उसके लिए सिक्योरिटी मेंटेन कर सकते हो। तो यहाँ पर एंड ऑफ लिस्ट कर देंगे, और जब क्या क्या चीज़ मैं अलाउ करना चाहता हूँ वो यहाँ से मैं ऐड कर लूँगा। तो जैसे कि मैं फुल एक्सेस देना चाहता हूँ सेल्स के इनवॉइस में, कि सेल्स में फुल एक्सेस होगा उनका, परचेज में फुल एक्सेस होगा। ठीक है, इस प्रकार से अकाउंट फुल एक्सेस होगा, अकाउंटिंग मास्टर में होगा, इसी प्रकार से फुल एक्सेस होगा इन्वेंट्री है, जो इन्वेंट्री मास्टर है उनमें होगा। ठीक है, इस प्रकार से हम एक्सेस दे देंगे। ठीक है, एंड ऑफ लिस्ट कर देंगे, और यहाँ से इसी प्रकार से आप टेलीनेट यूजर में अपनी सिक्योरिटी है वो मेंटेन कर सकते हो, ऑडिटर्स में मेंटेन कर सकते हो, और ओनर में मेंटेन कर सकते हो। इस प्रकार से एंड ऑफ लिस्ट करते हुए इसको हम एक्सेप्ट करवा देंगे। ठीक है, जैसे मैंने कंट्रोल ए से एक्सेप्ट करवा दिया आपका ये है, तो अभी जो ओपन है वो अपनी मुख्य यूजर जो मेन यूजर है उसकी ओर से अपना जो टेली में वर्क होगा, जैसे कि मेन कंपनी मेन सर्वर है उसमें काम होगा। अगर आप किसी यूजर को ओपन करना चाहते हो तो ऐप के आपको यहाँ से एल्ट के साथ ये प्रेस करना पड़ेगा, या फिर कंपनी को बंद करके फिर से ऑन करनी होगी। तो मैं यहाँ से डायरेक्ट चेंज यूजर कर लेता हूँ, जैसे मैं चेंज यूजर कर लूँगा, यहाँ पर कर रहा हूँ राकेश @gmail.com। ठीक है, और यहाँ से मैं इसका पासवर्ड रखा था 1 1 1 ही रखा था, तो 1 रखा तो यहाँ पर 1 कर दिया। देखो इसमें देखो आपको कुछ जो फैसिलिटी है वो हाइड हो चुकी है, जैसे कि आप क्रिएट कर सकते हो, अल्टर कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर वाउचर चेक करोगे तो वाउचर में आप देख पा रहे हो कि आपका क्रेडिट नोट डेबिट नोट यही ओपन हो रहा है, जबकि आपके पास कॉन्ट्रा वाउचर की फैसिलिटी नहीं है, पेमेंट वाउचर की फैसिलिटी नहीं है, रिसिट वाउचर की फैसिलिटी नहीं है, जनरल वाउचर, क्योंकि ये अभी अभी हम क्या हैं ऑफ करके आए हैं। ठीक है, आप क्या कर सकते हो, सर्च कर सकते हो, परचेज कर सकते हो। जैसे कि मैं परचेज कर रहा हूँ तो परचेज वाउचर में जाऊँगा, यहाँ पर परचेज करूँगा मैं किसी पार्टी से, जैसे कि राम राम कोई पार्टी है, तो क्या होगा सेंड्री क्रेडिटर होगा, तो मैं यहाँ से सेंड्री क्रेडिटर ये बना पा रहा हूँ, यानी कि मैं यहाँ से लेजर क्रिएट कर पा रहा हूँ। इसका जो रीज़न है वो क्या है, क्योंकि हमने अकाउंटिंग मास्टर को अलाउ किया था, इसलिए मैं यहाँ से लेजर क्रिएट कर पा रहा हूँ, तो मैं कोई भी लेजर है वो क्रिएट कर पाऊंगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैं परचेज का हम लेजर बना लेंगे और यहाँ से अंडर परचेज रख देंगे। ठीक है, जैसे हम परचेज रख देंगे एक्सेप्ट कर देंगे तो यहाँ पर अपना लेजर आ जाएगा। अब यहाँ पर हम आइटम भी बना सकते हैं, क्योंकि हमने इन्वेंट्री मास्टर को भी अलाउ किया, तो यहाँ से हम आइटम भी बना सकते हैं, जैसे कि मोबाइल्स का हम बिजनेस करें तो मोबाइल्स की मैंने आइटम बना ली। ठीक है, और इसको हम एक्सेप्ट करवा देंगे। तो इस प्रकार से मैं आइटम को क्या कर सकता हूँ, परचेज और सेल्स कर सकता हूँ। जैसे कि मैंने आइटम 100 आइटम परचेज किए, एक की रेट 8,000 है, तो मैं इसको परचेज कर सकता हूँ, और इसी प्रकार से मैं सेल्स भी कर सकता हूँ। ठीक है, लेकिन मुझे इससे पेमेंट लेना हो ना, तो मैं ना तो पेमेंट ले सकता हूँ ना पेमेंट दे सकता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर मैं पूरी रिपोर्ट्स भी नहीं चेक कर पाऊंगा, जैसे कि यहाँ पर बैलेंस शीट देख रही हूँ तो बैलेंस शीट भी यहाँ पर ऑफ है। ठीक है, पेंडल भी ऑफ है, तो यहाँ पर मैं पूरी रिपोर्ट नहीं देख पाऊंगा, अकाउंट्स बुक ही चेक कर पाऊंगा और इन्वेंट्री बुक ही चेक कर पाऊंगा। ठीक है, यहाँ से जीएसटी रिपोर्ट देख पाऊंगा, अगर जीएसटी रिपोर्ट बंद की हुई होगी तो हम नहीं देख पाएंगे। ठीक है, यहाँ पर डे बुक है तो डे बुक हम देख पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमें परचेज वाउचर फुल एक्सेस है, यानी कि हम डिलीट भी कर सकते हैं, एडिट भी कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हम यहाँ पर काम कर सकते हैं। आप देखते हैं कि अल्ट के साथ के प्रेस करेंगे ना, तो यहाँ पर आपको कुछ ही ऑप्शन दिखेंगे, फुल ऑप्शन जितने पूरे ऑप्शन है वो आपको शो नहीं होंगे, जैसे कि आपके पास सिक्योरिटी वगैरह का ऑप्शन है वो नहीं आएगा। ठीक है, जैसे हम चेंज यूजर करेंगे ओनर का निकालेंगे, जैसे कि मैं ओनर कर ओपन करूँ, अभी ओनर की आईडी ओपन करूँ fy@gmail.com, तो यहाँ इसका पासवर्ड रखा था मैंने जी, ओनर की बुक्स में वर्क कर रहे हैं, तो ओनर को फुल अथॉरिटी है, वो पूरी चीज़ें देख सकता है, कि बैलेंस शीट चेक कर सकता है अपना,
प्रॉफिट एंड लॉस चेक कर सकता है, सब चीज़ें चेक कर सकता है, ठीक है। साथ में हम जैसे अल्टर के करेंगे ओनर की बुक्स में, तो ओनर क्या कर सकता है, यूजर चेंज कर सकता है, लेकिन ओनर भी इसमें फुल एक्सेस नहीं कर सकता कि ओनर के पास भी ये अथॉरिटी नहीं है कि वो पासवर्ड वगैरह चेंज कर सकते हैं। अगर आप किसी यूजर को ऐड करना चाहते हो, हटाना चाहते हो, पासवर्ड ऐड करना चाहते हो, तो उसके लिए आपको मेन सर्वर को ओपन करना पड़ेगा। ओनर भी अपना सर्वर से ये चेंजमेंट नहीं कर सकता है, ठीक है ना। तो कंपनी को डिलीट कर पाएगा, ना कोई अल्टर कर पाएगा, ठीक है। इसमें इतना ही हो सकता है, आप कंपनी को सेलेक्ट कर सकते हो, बंद कर सकते हो, ठीक है, और चेंज कंपनी यानी कि दूसरी कंपनी खोल सकते हो, कंपनी फीचर्स में जा सकते हो, रिमोट एक्सेस कर सकते हो, ब्राउजर एक्सेस कर सकते हो, कनेक्ट कर सकते हो ऑनलाइन। इसके अलावा कोई भी ऑप्शन आपको शो नहीं होगा। जैसे मैं इसका मेन सर्वर ओपन करूंगा, यहाँ से इस कंपनी को क्या कर देता हूँ, मैं सट कर देता हूँ या फिर चेंज यूजर कर देता हूँ। तो चेंज यूजर में मैं लगाऊंगा FY, ठीक है, और यहाँ से मैं ओपन कर लिया। अभी अपना जो मेन सर्वर है वो ओपन हो गया एल्ट के साथ के प्रेस, सॉरी, यहाँ से मैं मेन सर्वर ओपन करूंगा, तो यहाँ पर एल्ट के साथ के चेंज यूजर करूंगा और यहाँ से मैं FY, ठीक है, तो यहाँ पर FY मैं प्रेस करूंगा और इसी के पासवर्ड FY रखूंगा। तो जैसे मैं FY रखा, यहाँ से नया यूजर ओपन हो गया। अब देखो ये मेन सर्वर है अपना, मेन सर्वर होने के नाते यहाँ पर पूरी चीजें आपको शो हो रही है, सिक्योरिटी भी आ रहे हैं। तो हम सिक्योरिटी में भी कोई चेंज करना चाहते हैं तो चेंज कर सकते हैं, और यहाँ से हम इसको भी कुछ चेंज एड एडिट करना है यूजर पासवर्ड में, तो वो भी यहाँ से एडिट कर सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार से हम पूरी चीज़ें हैं वो चेंजमेंट कर सकते हैं, ठीक है। यूजर रोल्स है, यूजर पासवर्ड वगैरह, वो यहाँ से मेंटेन कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम एक टेली में गोल्ड लाइसेंस में हम अपने यूजर्स डिसाइड कर सकते हैं, बना सकते हैं और उनकी सिक्योरिटी मेंटेन कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम पूरा रोल उनका दे सकते हैं। तो